हेलो फ्रेंड्स, कासब क्राफ्ट में आपका स्वागत है। और आज मैं फिर से न्यू डिजाइन लेकर आई हूँ राखी का। आप लोग देख सकते हैं, ये गोल्डन और व्हाइट मोती में मैंने बनाया हुआ है। इसमें मैंने 6 mm की गोल्डन मोती और 4 mm की छोटी वाली मोती व्हाइट वाली यूज की है। इसमें मैंने मोली का इस्तेमाल किया है, मोली धागे का। आपके पास जो भी धागा हो आप यूज करें। और बाकी की वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने ये सिल्क थ्रेड का यूज किया है इसमें। तो आप लोग को बताने के लिए कि आप कोई भी धागा यूज कर सकते हैं। मेरे पास मौली थी तो मैंने इसमें डाल दिया है। और ये आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर लग रही है। आप इसे फ्रेंडशिप बैंड की तरह भी यूज कर सकते हैं बनाकर। और कैसा लगा आप मुझे कमेंट में पक्का बताइएगा कैसा लग रहा है ये डिजाइन। चलिए देखते हैं कैसे बनाना है इसे। फ्रेंड्स देख सकते हैं ये डिजाइन मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ये बहुत ईजी है, ये राखी के लिए मैंने बनाया है इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने गोल्डन मोती ली है, व्हाइट मोती ली है और एक कलरफुल मोती अगर आपके पास हो तो आप लगा सकते हैं, या तो फिर ये गोल्डन मोती ही लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ कैसे बनाना है इसे। मैंने सुई ले लिया है और ये लैलून वाला थ्रेड ले लिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये 4 mm की मोती है मेरे पास तो 8 मोती हम लोग पहले लेंगे। ठीक है, इसमें धागे में मैंने गांठ लगा लिया पहले ही। ठीक है, तो ये 8 मोती हम लोग लेंगे तो 2 आप लोग देख सकते हैं ये मेरी 8 मोती हो गई है। 8 मोती हमें लेनी है। और अब हमें क्या करना है, ये देखिए लास्ट में आ गए हम लोग। अब हमें पीछे से जहाँ गांठ दिया है ना हमने, वहां से सारी मोती से बाहर आनी है हमें। ठीक है, तो ये हमारा एक सर्कल बन जाएगा। ये देखिए, ठीक है, अब हमारा सर्कल बन गया। अब हम लोग 2 मोती में अंदर जाएंगे। आप चाहे तो इसमें पूरा राउंड कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरा राउंड नहीं करूंगी क्योंकि मैंने थ्रेड को डबल लिया है, इसलिए ये हमारा हो गया है। अब मैं क्या करूंगी, 3 मोती लूंगी गोल्डन वाली। ठीक है, ये 6 mm की गोल्डन मोती है मेरे पास, 3 मोती लिया मैंने। और अब ये धागा हमारा इस वाली मोती पे है तो हम लोग अब इसके पीछे से बाहर निकलेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम लोग 2 मोती आगे निकलेंगे और फिर से 2 मोती यहाँ से मैंने इसमें डाला और फिर 2 मोती किए हम लोग आगे। अब यहाँ पे हम लोग फिर से 3 मोती लेंगे। ठीक है, फिर से पीछे से बाहर आएंगे, देख सकते हैं। ठीक है, अब फिर से यहां से 2 मोती अंदर जाएंगे। बाहर आएंगे और फिर से गोल्डन वाली 3 मोती हम लोग लेंगे। गोल्डन या फिर जो भी कलर आपके पास मोती हो आप बना सकते हैं। ठीक है, 3 मोती लिया मैंने, कुछ ये इस तरह से दिख रहा है। फिर से यहाँ से 2 मोती और लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे फिर से 3
सेम वैसे ही दो मोती लेनी है और थ्री और पीछे से बाहर आनी है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग एक मोती और लेंगे। अब क्या करना है, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया हमारा, ये देखिए कुछ इस तरह से। अब मैं क्या करूँगी, एक गोल्डन मोती ली, अब गोल्डन वाइट जो भी हो। अब यहाँ से हमारा धागा यहाँ पे है, तो उसके सामने जो धागा है, जो मोती है, ये देखिए ये धागा है यहाँ पे, और इसके सामने जो मोती है उसमें से हम लोग ऐसे से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग यहाँ निकले, या फिर ये धागा है, आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे इसके सामने ये देखिए, ठीक है, ऐसे करके जो भी सामने आए मोती उसमें से हम लोग इन करके बाहर आ जाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारे बीच की भी मोती लग गई गोल्डन। अब क्या करना है हमें, मैं आप चाहे तो बस इतना ही रख सकते हैं, और इसमें यहाँ पे ऐसे आकर यहाँ पे बस ये छोटी वाली जो मोती है इससे राउंड बनाकर, पांच छह मोती की राउंड बनाकर, और इसमें धागा लगा सकते हैं ऐसे भी सिंपल सा। ये भी बहुत प्यारा लगता है, आप देख सकते हैं ये, ठीक है। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगी, तो उसके लिए मैं गोल्डन ही मोती लूंगी। थ्री और गोल्डन मोती ली, ठीक है, और इसमें से ही बाहर आ गई। ये देखिए कुछ इस तरह से, आप चाहे तो ऐसे जितना लंबा आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, मैं ज्यादा नहीं तो लाइन बनाऊंगी और लंबी। ये देखिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करें, ऐसे अगर गोल्डन मोती हो छोटी वाली तो आप गोल्डन मोती से ही राउंड बना ले, या तो फिर नहीं है तो कोई नहीं, आप जो जो मोती है आपके पास उससे ही राउंड बनाएंगे हम लोग। तो जैसे अभी मेरे पास व्हाइट वाली है तो मैं इससे ही आपको बताऊंगी। तो मैंने छह मोती ले लिया है, छ सात या आठ, आप जितना लेना चाहें आप ले सकते हैं। और देखिए ऐसे मैंने इसे राउंड बना दिया। अब इसे मैं वही राउंड बनाऊंगी, आप ये यहां पर भी बना सकती हैं, लेकिन मैंने दो लाइन और एक्स्ट्रा बनाया है ताकि ये थोड़ा सा और हैवी लगे। तो ये देखिए ये हमारा बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें धागा को बांधेंगे, और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब ये धागा हम लोग यहाँ लगाएंगे इस तरफ, और सेम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसे गांठ दे देती हूँ, और गांठ आप लोग अच्छे से दें ताकि ये खुले ना, क्योंकि ये थ्रेड थोड़ा सिल्की होता है तो ये खुल जाता है। तो आप लोग जब भी गांठ दें इसे तो मोती से एक बार बाहर कर दें ताकि ये टाइट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इधर मैं बनाकर दिखाती हूँ कैसे बनाना है। हम लोग दूसरे तरफ फिर से थ्री मोती लेंगे, वैसे ही जैसे मैं हम लोग उधर किए थे,
ठीक है, और इधर से सेम ऐसे ही हमें बनाकर तैयार कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से पूरा, ये एक लाइन और बनाएंगे यहाँ पे, एक और बनाएंगे, फिर राउंड बनाएंगे, बस खत्म, और धागा लगा देंगे। आप इसे फ्रेंडशिप बैंड की तरह भी यूज कर सकते हैं, राखी भी बना सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे इसे यूज करेंगे। सिक्स मोती हो गया, और यहां से देखिए आप एक बार इसे और राउंड कर ले ताकि ये और भी टाइट हो जाए, मजबूत हो जाए। ढीला ना हो, इसे टाइट टाइट करते रहें, नहीं तो ढीला हो सकता है। ये देखिए ये बन गया है हमारा, और इसमें धागा लगाना है। आपके पास जो भी धागा हो आप लगा सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से ये दिखेगा, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, और धागा लगाकर इसे बांध सकते हैं आप इजिली। थैंक यू। डिजाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट में बताएं कैसा लगा डिजाइन ये, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।